हे फ्रेंड्स, वेलकम टू वाशिमास किचन। शाम के 5 बजे के आसपास और सूरज ढलने के साथ साथ हमें भूख भी लगने लगती है, और उस वक्त अक्सर हम या तो ऑफिस में होते हैं या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में। तो उस टाइम हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो अनहेल्दी होता है, और बाद में पछतावा करते हैं कि इससे अच्छा थोड़ी देर और रुक जाता तो घर जाके डिनर ही कर लेता। आजकल मार्केट्स में हेल्दी प्रोडक्ट्स के नाम पर पैक्ड फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हैं, पर उसके अंदर हेल्थ को छोड़कर सब कुछ होता है, जैसे कि एक्सेस में शुगर और सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, टेस्ट एनहांसर्स और पता नहीं क्या कुछ। तो क्यों ना इतने टेस्टी आइटम्स हम घर बना के स्टोर करके रखें और अपने साथ ऑफिस में, कॉलेज में या फिर ट्रैवलिंग के टाइम साथ लेकर चले और उन्हें खाएं। क्योंकि मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए 6 हेल्दी स्नैक्स की रेसिपीज, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं और झटपट बनके तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्नैक्स आप खाते नहीं है, पर आप ये सेम चीज खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे एक मील के अंदर आप 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक हेल्दी स्नैक बना सकते हैं, जो ना कि टेस्टी है पर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मिस ना करें। मैंने लाइव आना स्टार्ट कर दिया है तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लाइव आती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं लाइव आई थी, मेरे काफी व्यूअर्स के मुझे मैसेजेस आए कि आप लाइव आए थे हमें पता नहीं लगा। तो उसका एक ही रीजन है, उन्होंने बेल आइकन हिट नहीं किया था। तो आप ये गलती मत करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करना। तो चलो अपने स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्नैक्स है रोस्टेड चिवड़ा। ये हल्दीराम की भुजिया, चिप्स या फिर कोई भी फ्राइड स्नैक्स को टेस्ट के मामले में टक्कर दे सकता है। और ये बाहर मिलने वाले स्नैक्स की तरह फ्राइड नहीं है, क्योंकि हम इसको ड्राई रोस्ट करके बनाएंगे। तो रोस्टेड चिवड़े के अंदर हम डालेंगे भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले कर लेंगे हम अपने पोहे को ड्राई रोस्ट। उसके बाद थोड़े से तेल के अंदर भुनेंगे हम अपनी कच्ची मूंगफली, भुने चने, काजू, सूखा नारियल, राई, मिर्च और कड़ी पत्ते। इसको मिला लेंगे और फिर डालेंगे किशमिश, हल्दी पाउडर, नमक और इन सबको एक बार और मिला लेंगे और इस मिक्सचर को डाल देंगे हम अपने रोस्टेड पोहे के अंदर। आपस में मिलाने के बाद डालेंगे पिसी हुई चीनी, अमचूर पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको भी हम आपस में मिला लेंगे। हमारा हेल्दी पोहा चिड़वा बनके तैयार है। सेकेंड हेल्दी स्नैक ऑप्शन हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट ट्रेल मिक्स। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ, पर वाइट जस्ट बादाम? बादाम के साथ साथ बाकी सभी टाइप्स के सीड हम इसमें डालेंगे, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, सनफ्लावर सीड, ड्राइड पाइनएप्पल, आम पापड़, और उसका एक मिक्स ट्रेल बना के 8 कंटेनर में रख लेंगे। आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और इसके ऊपर सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट डाल के इसको थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर भी दे सकते हैं, और इसकी एक सर्विंग अपने साथ ऑफिस, कॉलेज या ट्रैवल टाइम में अपने साथ ले जाएं, और एक ही मुट्ठी में आपको मिल जाएंगे सभी न्यूट्रिशन। तो चलो जल्दी से इसकी शॉर्ट रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे हम बादाम, मूंगफली, काजू, सनफ्लावर सीड्स, अखरोट, मूसली, किशमिश, कॉर्नफ्लेक्स, और इन सब के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे सेंधा नमक, जो कि होता है हेल्दी। तो हमारी ड्राई फ्रूट ट्रेल मिक्स बनके तैयार है। हमारा थर्ड हेल्दी स्नैक है रोस्टेड फूल मखाना। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगते हैं और प्रोटीन्स के साथ साथ ये मिनरल्स में भी भरपूर होते हैं, और ये लो इन कार्ब्स और हाई इन फाइबर होने की वजह से वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आज से ही इसको अपने डाइट का पार्ट बना लें। तो आज से ही पॉपकॉर्न, कुरकुरे, लेस जैसे अनहेल्दी स्नैक्स को मसाला फूल मखाने से रिप्लेस करें और स्वस्थ रहें। रोस्टेड मखाने की डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख गया होगा, पर आप सबकी सुविधा के लिए मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो चलो जल्दी से इसकी शॉर्ट रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेंगे हम अपने मखानों को ड्राई रोस्ट। उसके बाद पैन के अंदर भून लेंगे हम अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि कच्ची मूंगफली, काजू, किशमिश, सूखा नारियल, मिर्च और कड़ी पत्ता।
इनको भुनने के बाद डाल लेंगे हम इसके अंदर अपने रोस्टेड मखाने और डालेंगे ऊपर से अमचूर पाउडर, काली मिर्च और सेंधा नमक। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और हमारे फूल मखाने बनके तैयार हैं, जो कि है सुपर हेल्दी। और हमारा फोर्थ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है रोस्टेड पीनट्स, भुने चने और मुरमुरे का मिक्सचर। एंड आई एम श्योर इसको बनने में मैगी से भी कम टाइम लगता है। चने को ऐसे ही घोड़ों की खुराक नहीं कहा जाता, इसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का परफेक्ट बैलेंस है। पीनट से फैट तो भुने चने से प्रोटीन्स और मुरमुरे यानी कि खील से मिलते हैं हमें कार्ब्स। तो चलो जल्दी से इसकी शॉर्ट रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अपनी मूंगफली, भुने चने और मुरमुरे यानी कि खील। उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम सेंधा नमक और ये लो हमारा भुना मिक्सचर बनके तैयार है। इसको आप ऑफिस, कॉलेज या फिर ट्रैवलिंग टाइम अपने साथ लेकर जाएं और मजे से खाएं। हमारा फिफ्थ हेल्दी स्नैक ऑप्शन है प्रोटीन सैलेड। और प्रोटीन सैलेड की एक सर्विंग इतनी फिलिंग होती है कि शायद आपको लंच या फिर डिनर करने की भी जरूरत ना पड़े। इसके अंदर बॉइल्ड काले चने या फिर व्हाइट छोले के साथ अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल के चाट की तरह भी इसको खाया जा सकता है। प्रोटीन सैलेड की डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है और वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाला है, अब फटाफट से उसकी भी क्विक वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम उबले हुए चने, उसके अंदर डालेंगे पनीर, टमाटर, प्याज, खीरा, मूंगफली, स्प्राउट्स और धनिया पत्ता। अब बनाएंगे अपनी सीजनिंग, उसके लिए लेंगे एक चम्मच ऑलिव ऑयल, उसके अंदर डालेंगे हम लेमन जूस, नमक, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च। अब इस सीजनिंग को हम डाल लेंगे अपने हाई ऑन प्रोटीन वेजेस के ऊपर और ऐड कर लेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा हाई ऑन प्रोटीन सैलेड बनके तैयार है। हमारा सिक्स्थ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट हेल्दी तो होते हैं पर प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी डेली मील्स का पार्ट नहीं बन पाते। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेसिपी, जिसके एक ही लड्डू में आपको मिलेंगे 5 से 6 ड्राई फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो ये उन सब लोगों के लिए मीठे का एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर किसी भी तरह की शुगर एडिट नहीं है। इन लड्डुओं को मिठास देंगी डेट्स यानी कि खजूर की नेचुरल स्वीटनेस। चलो इसकी रेसिपी फटाफट देख लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए एक चम्मच घी में रोस्ट कर लेंगे हम अपने बादाम, काजू, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और इनको मिला लेंगे। अब मिठास में डालेंगे हम इसके अंदर खजूर। खजूर के बीज को निकाल के मैंने उसको मैश कर लिया है और साथ ही डाल लेंगे पिसी हुई किशमिश। इन सबको भी हम अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला लेंगे। ये लो हमारा लड्डुओं का बैटर बनके तैयार है। अब इससे बना लेंगे अपने छोटे छोटे लड्डू। आपको जैसा साइज पसंद हो उस साइज के लड्डू आप बना सकते हैं, जो कि बनते हैं सुपर हेल्दी। इसके अंदर ना तो हमने शुगर डाला है ना ही कोई अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स, ये बनते हैं सुपर हेल्दी। सो गाइस ये है मेरे 6 हेल्दी स्नैक्स की रेसिपीज आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। और मेरी और भी लेटेस्ट अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमाज किचन को भी फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दो। बाय।